रोहतास की नोखा से खबर है, जहां नगर परिषद चुनाव को लेकर के धोसिया पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रहे रमेश चौहान के समर्थन में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। गांव में लोगों को जाकर के भेंट कर अपने पक्ष में प्रचार करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं, जिसको लेकर के लोग इनके जीतने के बाद नगर परिषद के लिए आगामी कार्यों करने की जानकारी लोगों को दी जा रही है। रमेश चौहान ने अपनी आगामी योजनाओं को कहते हुए कहा कि इस बार जनता का फूल सही रहा सही होगी मिल रही है, कोई नहीं रोक सकता है चेयरमैन बनने से। स्वागत है आप सबका न्यूज 9 टीवी चैनल में। इस वक्त हम मंटू कुमार, इस वक्त हम नोखा प्रखंड के आपको नासरीगंज मोड़ के पास मौजूद हूँ। आपको बता देते हैं आज 18 दिसंबर को जो चुनाव होने वाला है नगर निकाय का, उसको लेकर जो प्रत्याशी हैं रमेश चौहान चेयरमैन के भावी और दावेदार प्रत्याशी हैं, अपने जन समर्थकों के साथ हुए आज निकल चुके हैं, अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। घूम घूम कर 2500 वार्ड में अपने समर्थकों के साथ हुए वोट मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अपील कर रहे हैं कि 18 दिसंबर के सुबह में उठकर और चरपाई छप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाइए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो रमेश चौहान जो कि प्रतिनिधि हैं, सांसद चेयरमैन का प्रतिनिधि है, ये अपने समर्थकों के साथ आज निकल चुके हैं 2500 वार्ड में, घर 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 जाकर और माताओं ले बहनों ले चाचा चाची ले सभी ले अपील कर रहे हैं। तो मेरे पक्ष में चरपाई छाप पर वोट देकर और विजयी बनाइए। इस वक्त मेरे साथ जो चेयरमैन प्रत्याशी है ये मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा। सबसे पहले मेरे न्यूज 9 टीवी चैनल का स्वागत है, आपने समर्थकों के साथ प्रचार में निकले हैं इस मुद्दे के लेकर चुनाव मैदान में। मैं आप लोगों को पहले चरण को आप मंटू जी को मैं आप लोगों का हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूँ। और मेरा मेन मुद्दा है कि मेरा जो नगर परिषद है उसको मैं चौमुखी विकास करने के लिए मुद्दे को चला हूँ। और मेन शिक्षा पानी बिजली की जो अभाव है, अभी बिजली का जो बिल बहुत लोगों को पास बहुत आ रहा है, उसको सुधारने के लिए काम करेंगे। और गरीब गुरबा मजदूर भाइयों को समस्या कठिनाई हो रही है खाने पीने से लेकर, उनको जो भी समस्या हो रही है उसको इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा लग रहा है चाहे उनको लाभ नहीं मिल रहा है उसको दिलाने का काम करेंगे। अपने माता बहनों वृद्धा पेंशन के लिए तरक्की है उसको भी दिलवाने के लिए काम करेंगे, मेरा उद्देश्य रहेगा। और लोखा नगर परिषद में खेल मैदान स्टेडियम का भी मेरा मुद्दा है। और नोखा नगर परिषद का जो बाज़ार में समस्या पानी का है तो उसका निकास नहीं है, और कहीं कहीं वार्ड में देख रहे हैं कि नली ऊपर है और पीसीसी ढलाई जो नीचे है उसको सुधारने के लिए मैं उसको प्रयास करेंगे, मेरा यही मुद्दा है। और विकास के धारा इतना तेज बहवाएंगे कि ताकि नोखा नगर परिषद के सभी माताएँ बहन जनता भाई खुश रहें। आप कोरोना काल में भी नोखा नगर परिषद उस समय आपके पंचायत में नहीं सम्मिलित हुआ था, उस समय आप मुखिया थे पंचायत के, कोरोना काल में भी आपने बहुत सेवा किया है अपने पंचायत में। वहाँ जनता का कहना है कि इस बार जो चेयरमैन का प्रत्याशी है हमें रमेश चौहान होना चाहिए चरफाई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।